हमारी यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हैं, इस बात को ध्यान से सुने। घर में हमारी सभी बहनें और माताएं जो मासिक धर्म की समस्या से परेशान है, उनका मासिक धर्म समय से नहीं आता, आता है तो बहुत खून आता है या उसमें कई बार समय बहुत लगता है, इन सब मासिक धर्म की बीमारियों में दर्द बहुत होता है, आप चूना खाइए गेहूं के दाने के बराबर, दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो गर्म पानी। ये जो चूना है ना, ये बहुत अद्भुत दवा है उन सभी मरीजों के लिए जिनको पीलिया होता रहता है अक्सर, जॉन्डिस। जिनको भी जॉन्डिस होता है उनको आप गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के दीजिए, आधा गिलास गन्ने का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना, बहुत जल्दी पीलिया ठीक होगा और बार बार पीलिया होना बंद होगा। ये जो चूना है ना, ये नपुंसकता की बहुत अच्छी दवा है। अगर कोई पुरुष ऐसा है जिसके वीर में शुक्राणुओं की संख्या एकदम नील है या बिल्कुल कम है, उनको आप चूना खिलाइए, दो तीन साल चूना दीजिए उनको गन्ने के रस में, वीर में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेगी। ऐसी कई माताएं जिनके शरीर में अंडे नहीं बनते, ओव्यूलेशन का उनका गड़बड़ी है, उनको आप चूना खिलाइए, बहुत जल्दी ही उनकी बीमारी ठीक हो। ये जो चूना है ना, आपके रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई तकलीफ आ जाए, जैसे कई बार रीढ़ की हड्डी का जो लंबर रीजन है इसमें गैप आ जाता है, L1, L2, L3, L4 के बीच में गैप आ जाता है, इसको ठीक करने की ताकत चूने में ही, चूना खाइए। कभी हड्डी क्रैक हो जाए तो हड्डी को जोड़ने की सबसे ज्यादा ताकत चूने में, चूना खाइए। एड़ी की दर्द है, पैर की एड़ी का दर्द है, चूना खाइए ठीक होगा। पंजों में दर्द है, चूना खाइए ठीक होगा। आपके दांत में अक्सर ठंडा गर्म पानी लगता है तो आप चूना खा लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाए। दांत में कीड़े बहुत लगते हैं, चूना खाइए नहीं लगेंगे। दांत हिलते हैं, कमजोर हैं, चूना खाइए मजबूत हो जाए। ये एक चूना 70 बीमारियों में काम आता है, 70। और ये ईश्वर ने हमें सबसे ज्यादा दिया है, 70 बीमारियों में काम आता है। आप कभी भी इसको याद रखिए। मैं सबको यही कहता रहता हूं कि आप चूना खाइए, चूना लगाइए मत कभी किसी। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। और ये चूना हम खाएं तो दो ही बातें याद रखनी है, पत्थर वाला खाना है, पत्थर वाला चूना एक आता है, एक सीप वाला भी आता है, तो सीप वाला नहीं खाना, पत्थर वाला। और यही चूना है पत्थर वाला जो पान की दुकान में मिलता है, तो वहां से आप कभी भी ले सकते हैं। अगर यहाँ कोई किसान भाई बैठे हैं और जो गाय भैंस पालते हैं, वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुने कि गाय और भैंस को हर दिन पानी में मिलाकर चूना दीजिए आप। जैसे गाय एक बाल्टी पानी पीती है, उसमें गेहूं के 4-5 दाने के बराबर चूना घोल दीजिए, वो पानी पिलाइए, तो गाय का दूध बढ़ता चला जाता है। रोज पिलाइए चूने का पानी। ऐसे ही भैंस है आपके पास, अगर भैंस, तो भैंस को भी चूने का पानी पिलाइए, उसका दूध बढ़ता चला जाता है। और अगर आपने लगातार ये जारी रखा चूना गाय और भैंस को, तो दूध तो बढ़ेगा ही, दूध में घी बढ़ता जाता है, मक्खन बढ़ जाता है, घी ज्यादा मिलता है गाय के दूध से भैंस के दूध। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि गाय और भैंस को आप लगातार अगर चूना देंगे तो वो बराबर समय से माँ बनती है। आपको मालूम है कई बार गाय और भैंस माँ नहीं बन पाती, हम लगातार प्रयास करते हैं वो गर्भ धारण नहीं कर पाती, और थोड़े दिन आप उनको चूना खिला दो वो तुरंत गर्भ धारण कर लेंगे। चूना बांझपन की सबसे अच्छी दवा है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सबसे जल्दी चूने से ही ठीक होता है। माताएं भी इस बात को सुने ध्यान से कि ऐसी अगर कोई माताएं बहनें हमारे घर में हैं जो माँ नहीं बन पा, और तरह तरह से डॉक्टर ने उनकी जांच की है और डॉक्टर कहता है जी मेरे समझ में नहीं आता, सब चीज तो नॉर्मल है, फिर भी माँ नहीं बन पा रही है, ऐसी किसी भी माँ को लगातार चूना खिला दो, बहुत जल्दी माँ बनेंगे।
और माताएं बहने ये बात मेरी हमेशा याद रखें कि ऐसी कई माताएं होती हैं जो गर्भ धारण तो कर लेती हैं लेकिन महीने दो महीने में गर्भपात हो जाता है उनका, कोई कारण हो सकता है, एक महीने में किसी का दो, किसी का तीन महीने में गर्भपात हो जाए। ऐसी सब माताओं को चूना खिलाइए, कभी भी गर्भपात नहीं होगा। और मेरा तो सब माताओं को ये कहना है कि जब भी कोई गर्भवती माँ हो अपने घर में तो उसको हर दिन चूना खिलाइए ताकि गर्भपात ना हो और बच्चा स्वस्थ हो। तो ये चूना कैसे खिलाएंगे, गेहूं के दाने के बराबर चूना एक कप अनार के रस में मिला के पिलाना। माँ को, गर्भवती माँ को चूना चाहिए अनार के रस के साथ। क्यों? अनार का ही रस क्यों? अनार के रस में सबसे ज्यादा आयरन होता है, लोहा, और चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। और गर्भवती माँ को आयरन और कैल्शियम इन्हीं दो तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अनार का रस एक कप ले लें और चूना गेहूं के दाने के बराबर हर गर्भवती माँ को 9 महीने तक दे दीजिए आप सुबह खाने को। तो 4 फायदे होंगे इसके। पहला फायदा होगा कि बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा फायदा क्या होगा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हेल्दी होगा, बहुत स्वस्थ होगा। और तीसरा फायदा पता है क्या होगा, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत ब्रिलियंट होगा। जिसकी माँ ने चूना खाया 9 महीने उसकी IQ लेवल बहुत ऊंची होगी। और चौथा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बच्चा जीवन में कभी भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान नहीं होगा। बस हमें क्या करना है, हर गर्भवती माँ को एक कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के पिलाते हैं। मैंने देखा जितनी माताओं ने अनार का रस और चूना दिया 9 महीने, किसी को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, सबकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चा सभी का स्वस्थ और तंदुरुस्त, और वो बहुत होशियार और इंटेलिजेंट और जीवन में बीमार ना पड़े। ऐसी बढ़िया परिणाम हमें मिलते हैं अगर किसी माँ को हम चूना खिलाएं। तो आप ये चूने के बारे में याद रखिए, ये बहुत कीमती दवा है। हालांकि इसकी कॉस्ट कम है लेकिन वैल्यू बहुत है, सस्ता मिलता है, 50 पैसे में इतना चूना मिल जाएगा कि 2-4 महीने खा सके, क्योंकि भगवान ने प्रचंड मात्रा में हमको ये दिया है। इसे याद रखिए, बस एक ही व्यक्ति चूना ना खाए, एक सावधानी है इसमें। जिनको जिनको पथरी की बीमारी है, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है वो चूना ना खाएं, जिनको किडनी स्टोन है वो चूना ना खाएं, जिनको मूत्रपिंड में पत्थर है वो चूना ना खाएं, बाकी सब खाएं।